अब बताओ इसके पार्ट टू को मैं क्या कहूँ। शुरू होते ही भाई साहब ये तो खत्म हो गई, जिससे मन किया उससे भिड़ा दिया, आखिर ये चल क्या रहा है। तो अभी मैंने दोस्ती का पार्ट टू देखा और इस पार्ट टू में मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिला, सीरीज हमारे लायक बनी है या फिर नहीं, इसका दोनों पार्ट कैसा है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। दिमाग का इस्तेमाल करिए। जैसा हम लोगों ने सोचा था सीरीज वैसी नहीं निकली, हम लोगों ने काफी उम्मीदें लगाई थी। पार्ट वन तो इसका हम लोगों को ठीक ठाक देखने को मिला था और हम लोगों को लगा था कि कम से कम पार्ट वन ठीक ठाक है तो पार्ट टू जबरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि हंटर और प्राइम प्ले वाले ऐसा ही करते हैं, अगर पार्ट वन इनका डिसेंट गया तो पार्ट टू काफी अच्छा जाता है। लेकिन गाइज इस दोस्ती के पार्ट वन में और पार्ट टू में हम लोगों को कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, सीरीज समझ लो पूरी तरीके से डिसेंट चली गई। अब मेरे भाई लोग ऐसा नहीं है कि सीरीज में आप लोगों को सीन देखने को नहीं मिलते हैं, सीन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस लेवल का सीन हंटर वाले रखते हैं उस लेवल का सीन इस दोस्ती सीरीज के ना तो पार्ट वन में डाला गया है और ना ही पार्ट टू में। और बात रही स्टोरी की, तो स्टोरी आप लोग अच्छे से ही जानते हो, एक जैसी स्टोरी हंटर ऐप वाले डाल रहे हैं। तो अब मैं कहां से कहूं कि ये सीरीज मुझे अच्छी लगी, ना तो सीन अच्छे हैं और ना ही स्टोरी, तो समझ लो यहां पे सीरीज डिसेंट ही गई। लेकिन 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 इस सीरीज मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी, वो थी इस सीरीज की सेकंड एक्ट्रेस। रानी परी तो भाई साहब अपनी जगह है, लेकिन इस सेकंड एक्ट्रेस की बात काफी अलग है। इनका चार्म, इनके एक्सप्रेशन सीरीज में काफी मुझे अच्छे लगे। अगर आगे चल के इनको और भी सीरीजों में मौका मिले तो हो सकता है ये हम लोगों को गजब पसंद आए। गजब पसंद आए का मतलब है अगर आगे चल के इस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए, अच्छी अच्छी सीरीजों में लिया जाए, तो ये एक्ट्रेस हम लोगों को काफी मजा दे सकती है। बस यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आगे चल के कोई सीरीज हंटर वालों आप लोग बना रहे हो तो इस एक्ट्रेस को जरूर रखना और इसके साथ साथ इनके सीन भी थोड़े बढ़ा देना। और अब हम लोग बात करें इस सीरीज की, तो गाइज इस सीरीज को कल प्राइम प्ले के ऐप पर रिलीज कर दी गई है और इस पार्ट टू में अभी आप लोगों को सिर्फ दो एपिसोड देखने को मिलता है और इसी के साथ सीरीज हो गई खत्म। टाइम ड्यूरेशन की बात रही तो इस सीरीज के पार्ट टू में आप लोगों को दो एपिसोड देखने को मिलते हैं और दोनों की टाइम ड्यूरेशन 15 से लेकर 23 मिनट के बीच आप लोगों को दिखाई जाएगी। मेरी बात अगर आप लोग सुनते हो तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सीरीज वन टाइम वॉच है, अगर देखना चाहते हो तो जाकर देख लो, ज्यादा उम्मीदें लेकर मत जाना। थोड़ी उम्मीद लेकर जाओगे तो हो सकता है पूरे हो जाए, ज्यादा उम्मीद इस सीरीज से आप लोग नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जाओ, मन है तो जाकर देख लो, नहीं देखना है तो कोई नुकसान होगा नहीं। तो बस ये था वो रिव्यू जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, तो इसी के साथ मैं चलता हूं।